हेलो स्टूडेंट्स आइए अब आपकी इंग्लिश की आज हम वर्कशीट देखेंगे जो है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी फाइव ये है आपकी फर्स्ट सितंबर की वर्कशीट तो ये वर्कशीट देखने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से हेल्प मिल सके तो जल्दी से देख लेते हैं ये वर्कशीट क्या है तो ये वर्कशीट जो है ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है तो यहाँ पर टाइटल uh, है पैसेज का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो उसका ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है आपको ये पैसेज पढ़ना है समझना है और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं तो मैं जल्दी से ये पढ़ देती हूँ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड तो रस्किन बॉन्ड ने ये जो स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये लिखी थी द ऑथर्स ग्रैंड फादर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स तो ऑथर जो था ये रस्किन बॉन्ड जो थे उनके जो दादा थे ग्रैंडफादर जो थे उन्हें एनिमल्स बहुत ही पसंद थे ही हैज हिज प्राइवेट जू इन विच ही कैप्टर टॉटस अ पेयर ऑफ रैबिट्स कुर एंड अ गोट तो उनका एक प्राइवेट जू था मतलब पर्सनल चिड़िया घर था उनका जिसमें वो अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते थे रखते थे जैसे कि एक टॉटस रखते थे कछुआ रखते थे एक पेयर ऑफ रैबिट्स मतलब दो रैबिट्स दो खरगोश रखते थे एक गिल्हरी भी रखी हुई थी और साथ ही साथ एक बकरी अ गोट भी उन्होंने रखी हुई थी वंस ही बॉट टोटो अ बेबी मंकी तो उसके बाद फिर उन्होंने एक और एनिमल अपने जू में एड ऑन किया वो थे बेबी मंकी जिसका नाम था टोटो, तांगे चलाने वाले से उन्होंने एक बेबी मंकी टोटो खरीदा ही वॉज अ प्रिटी मंकी बट वेरी नॉटी एंड डिस्टर्बिंग तो दिखने में तो टोटो जो था बहुत ही सुंदर था प्रिटी था लेकिन बहुत ही शरारती भी था और बहुत डिस्टर्ब भी करता था ऑथर्स ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वेन एवर ग्रैंड फादर ब्रॉट सम न्यू एनिमल और बर्ड तो उनकी जो ग्रांड uh, मदर थी जो उनकी uh, दादी थी वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान होती थी जब भी जो ग्रैंडफादर जो थे दादा जो थे वो नया एनिमल या नया बर्ड घर पे ले आते थे फॉर दिस रीजन टोटोज अराइवल वॉज केप्ट सीक्रेट तो इसी वजह से जब टोटो आया तो वो जब आया तो उसको बहुत ही सीक्रेट रखा गया उसको किसी को बताया नहीं गया कि टोटो घर में आया है One day grandfather had to leave for Dehradun for some work, so he took Toto along in a canvas kit bag. बैग so, तो एक बार जो उसके दादा थे ऑथर के रस्किन बॉन्ड के जो दादा थे उन्हें देहरादून के लिए जाना था तो वो जो है साथ में टोटो को भी ले गए और एक कैनवस बैग में उसे डाल के वो ले गए

थ्री रुपीज जो है फाइन की तरह उन्हें देने पड़े तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है आजकल रस्किन बॉर्ड जो है वो तो एटी से अबव के हो चुके हैं तो ये उनके बचपन की स्टोरी है तो उस टाइम पे तीन रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता था तो तीन रुपए उन्हें जो है फाइन के तौर पर देना पड़ा वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द होम ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल लेकिन फिर फाइनली एक टाइम आया जब सबको बता दिया गया इवन दादी को भी बता दिया गया कि टोटो आ गया है घर में तो जब फाइनली सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई टोटो है तो उसे जो है एक कंफर्टेबल घर की जगह दे दी गई कहाँ पर दे, दे दी गई स्टेबल में उसको जगह दे दी गई देअर ही केप ट्रबलिंग नाना द फैमिली डंकी तो उनका घर का जो गधा जो था फैमिली डंकी जो था जिसका नाम नाना था उसको वहां पर वो टोटो जो है परेशान करता रहता था ही इंजॉयड वार्म वाटर बाथ इन कोल्ड विंटर इवनिंग तो टोटो को क्या अच्छा लगता था उसे अच्छा लगता था कि सर्दियों की जो शाम थी उसमें वो गर्म गर्म पानी में जब नहाता था वो उसे बहुत पसंद था वेन एवर ही वेन टू टेक बाथ ही चेक द टेम्परेचर ऑफ वॉटर फर्स्ट देन टूक बाथ एज हीड सीन ग्रैंड फादर डूइंग सो तो टोटो आप समझ सकते हैं कि मंकी है तो उन्हें आदत होती है इमिटेट करने की दूसरों को फॉलो uh, करने की नकल उतारने की तो जब दादाजी जब थे नहाने से पहले वो पानी का टेम्परेचर चेक करते थे कि भाई पानी गर्म ठीक है कि नहीं है तो उसी तरह टोटो तो भी अपना जो है पानी का टेम्परेचर जो है चेक करता था नहाने से पहले कि ठीक गर्म है कि नहीं है ही वॉज ऑल्सो अप टू सम और समी अदर मिस्चीव तो हमेशा वो कोई ना कोई शरारत करता रहता था ही टोर द करो क्लॉथ वॉलपेपर एंड ब्रोक द डिशेज तो उसने सब कुछ सब जगह तोड़फोड़ मचा दी थी उसने सारी जो डिशेज थी प्लेट्स थी सब तोड़ दी थी करटे पर्दे सब फाड़ दिए थे टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग तो वो इस तरह का पेट नहीं था जिसे बहुत ज्यादा समय तक वो रख पाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शरारती था फाइनली ग्रादर रिम टू दाइवर फॉर थ्री रूपीज तो फाइनली जो है दादाजी ने उसे जिससे खरीदा था जिस तांगे वाले से खरीदा था उसी को उन्होंने तीन रुपए में वापिस बेच दिया तो अब इसी पैसेज पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है जल्दी से वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ टोटो तो जैसे मैंने आपको बताया रस्किन बॉन्ड जो है वो इसके स्टोरी के ऑथर है रस्किन बॉन्ड आज भी देहरादून में रहते हैं मसूरी के पास वो रहते हैं और बहुत ही अच्छी वो चिल्ड्रन स्टोरीज लिखते हैं किताबें लिखते हैं बच्चों के लिए और पोएम्स भी लिखते हैं आप हो सके तो इनके बारे में जरूर पढ़िए ये बहुत अच्छे ही ऑथर हैं साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि ये जो पैसेज है इसके ये जो क्वेश्चन है आप खुद ही आंसर करें और उसके बाद हमारी वीडियो देखकर आप अपने आंसर जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक किए हैं कि नहीं किए हैं क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बेस्ड वर्कशीट है तो आपकी समझ कितनी बनी तब आप वो अगर आप खुद से करेंगे तो आप वो खुद ही जान पाएंगे सेकेंड अब बी पार्ट पे चलते हैं वो है टोटो वॉज अ मंकी बिकॉज ही डैश तो, 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 तो टोटो मंकी क्यों था पहला है वॉज अट्रैक्टिव वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था हैड ब्राइट आईज बहुत चमकीली आंखें थी उसकी हैड पर्ली व्हाइट टीथ चमकते हुए दांत थे उसके फोर्थ है ऑल ऑफ दीज तो ऑफकोर्स वो मंकी था क्योंकि मंकी के जैसे दांत है जैसे आंखें होती हैं और वैसा ही वो था तो ऑल ऑफ दीज यहाँ आएगा ग्रांड फादर टुक टोटो विद हिम टू डैश इन अ डैश तो सी पार्ट आपका कह रहा है ग्रांड फादर टोटो को कहा लेकर गए वो देहरादून लेकर गए थे कैसे लेके गए कैनवस बैग में लेके गए तो फोर्थ जो आपका correct option है आपका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट आपका है वेन टोटो गॉट एक्सेप्टेड ही वॉज प्लेस्ड अलोंग विद नाना द फैमिली डंकी इन अ डैश तो टोटो को कहां पर रखा गया कैनल में डेन में स्टेबल में या पेन में तो उसे स्टेबल में रखा गया था फिर ई पार्ट है आपका टोटो ऑलवेज डैश द टेम्परेचर ऑफ वॉटर वेन ही वेंट टू टेक द बार तो पास्ट टेंस में है हमें ये पता है कि टोटो हमेशा चेक करता था टेम्परेचर लेकिन ये पास टेंस में सेंटेंस है तो हम कौन सा करेक्ट फॉर्म लिखेंगे पहला है चेकिंग दूसरा है चेक्ड फिर तीसरा है चेक या नन ऑफ दीज सो टोटो ऑलवेज चेक्ड द टेम्परेचर चेक्ड जो है वो पास टेंस है चेक का तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे ये करेक्ट है एफ so पार्ट है आपका वाई डिड ग्रैंड फादर रिटर्न टोटो टू द टोंगा ड्राइवर ग्रैंड फादर ने टोटो को रिटर्न क्यों कर दिया फर्स्ट ऑप्शन दे वर नॉट वेल टू डू टू टोटो ब्रोक डिशेज थ्री टोटो टोर्ड कर्टेंस क्लोथ फॉर ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री सही ऑप्शन है हमें पैसेज से नहीं पता चल पा रहा है कि वो वेल टू डू थे या नहीं थे तो हम श्योर नहीं है इसके बारे में तो इसलिए आप जो श्योर वाले आंसर है वही टिक करेंगे वो है कि वो सब कुछ तोड़फोड़ मचा कर रखता था घर में फिर जी पार्ट है आपका टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर डैश वो ऐसा पेट नहीं था जिसे वो लंबे समय तक के लिए रख सकते थे तो लंबे समय के लिए आप क्या लिखेंगे सम टाइम है कुछ समय के लिए एन आर है एक घंटे के लिए थर्ड है लंबे समय के लिए लॉन्ग और फोर्थ है कुछ दिनों के लिए तो फोर्थ यहाँ पर लॉन्ग जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन तो एच पार्ट है आपका वट वुड यू हैव डन विद टोटो इफ यू वर इन प्लेस ऑफ ग्रैंड फादर अब ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे क्योंकि आपको बताना है कि आप क्या करते अगर आप दादाजी की जगह होते ग्रैंड की जगह होते तो आप टोटो के साथ क्या करते पहला ऑप्शन है आप उसे रख लेते हिम दूसरा ऑप्शन है सोल्ड हिम आप उसे बेच देते तीसरा ऑप्शन है नेवर बॉट हिम कि आप उसे कभी खरीदते ही नहीं फोर्थ ऑप्शन है सेंट हिम टू अ ज़ू आप उसे चिड़ियाघर भेज देते मैं अगर होती दादाजी की जगह तो मैं उसे कभी नहीं खरीदती क्योंकि अः अः मंकी एक ऐसा पेट है जिसे नहीं रखना चाहिए जिसे नहीं खरीदना चाहिए उसे पेट की तरह रखना मुश्किल होता है और साथ ही साथ जितना हम उसे खरीदेंगे उतना ज्यादा उनको पकड़ा जाएगा और फिर बेचा जाएगा जो मैं नहीं चाहती कि हो तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन है लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते तो वो आप जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है टोटो वॉज मिस्टिवियस वी सेल और लीव द एनिमल्स इफ वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम इज इट एथिकल टू डू सो तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टोटो वैसे तो शरारती था बहुत लेकिन क्या हमें अः uh, जो एनिमल्स हैं उनको ऐसे खरीदना या बेचना चाहिए अगर हम वो हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या हमें उन्हें बेच देना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए तो क्या ये एथिकल भी है क्या ये मॉरली मतलब कि नैतिक तौर पर क्या ये सही है ऐसा करना तो ऑप्शन ए है आपका नहीं ये सही नहीं है ऑप्शन बी है यस yes, हाँ ठीक है ऑप्शन थ्री है मे बी आई मीन यू आर नॉट श्योर पता नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता ऑप्शन फोर एनी अदर और आपको लिखना है कि क्या एनी अदर तो मैं यहाँ पर जो है एनी अदर चूज कर रही हूँ आपके हिसाब से क्या है आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं लिख सकते हैं मैं अगर यहाँ एनी अदर लिखू तो मैं उसको ये कहूंगी कि इट इज नॉट एथिकल तो टेक्निकली जो है मैं ये ऑप्शन वन जो है वो चूज कर रही हूँ साथ ही मैं रीजन भी दे रही हूँ यहाँ पे तो मैं कहूंगी कि इट इज़ नॉट एथिकल टू सेल और लीव एनिमल्स लाइक दैट लेकिन अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते तो हमें उन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए तो पहले ही हमें नहीं खरीदना चाहिए या फिर अगर हम उन्हें खरीद लिया है और अगर हमें लग रहा है हम उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं तो हमें उसे ऐसी जगह पर छोड़ना चाहिए जहां पर वो सेफ है और खुश है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सुरक्षित है और खुश है वहां ऐसी जगह उन्हें नहीं बेचना चाहिए जहां पर उनका उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है या उनसे काम कराया जा रहा है तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट में यही है अब आगे चलते हैं आपकी जो हिस्ट्री की वर्कशीट है सोशल साइंस की जो वर्कशीट है वो देख लेते हैं ये वर्कशीट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको दिखाऊंगी दोनों में ही हम इसके आंसर्स करेंगे तो जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि इस वर्कशीट में आपके क्या है तो सोशल साइंस की हिस्ट्री की वर्कशीट है ये आपका चैप्टर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवल्यूशन वही आपका चैप्टर और ये वर्कशीट ट्वेंटी फाइव रशियन रेवोल्यूशन थ्री जो है हम उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं पार्ट थ्री पर अब हम आ गए हैं तो यहां पर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज ड्यूरिंग रशियन रेवोल्यूशन तो रशियन रेवोल्यूशन में सोशल और पॉलिटिकल जो चेंज था उसकी यहाँ पर बात हो रही है और साथ ही साथ फिर बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस आए तो मैं जल्दी से ये बता देती हूँ समझा देती हूँ आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी एथ सेंचुरी द रशियन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर वेयर अबाउट एटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर तो ट्वेंटी सेंचुरी में बीसवीं सदी में जो रशियन इकोनॉमी थी वो अर्थव्यवस्था जो थी रशिया की वो एग्रीकल्चर पे खेती पर बेस्ड थी और 85 परसेंट जो उनकी वहां पर पॉपुलेशन uh, थी वो जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से खेती से ही वो कमाई करते थे कन्वेंशनली द स्मॉल peasants pooled देयर लैंड together टू देयर कम्यून और मीर फॉर कलेक्टिव फार्मिंग तो traditionally कन्वेंशनली ये होता था पुराने जमाने में ये होता था कि जो छोटे छोटे किसान uh, थे स्मॉल peasants जो थे वो अपने जो छोटे छोटे लैंड थे छोटे छोटे जो एरिया क्षेत्र थे उनको पूल कर लेते थे मतलब उन्हें इकट्ठा कर लेते थे और उसको फिर वो कम्यून बुलाते थे या मीर बुलाते थे और वहां पर फिर वो मिलकर कलेक्टिव फार्मिंग करते थे तो साथ में मिलकर सामूहिक खेती वहां पर करते थे द वेल टू डू पीजेंस वर कॉल्ड कुलक्स तो जो ज्यादा अमीर जो थे पीजन अमीर जो किसान थे उन्हें कुलक्स कहा जाता था अगेंस्ट कलेक्टिव फार्मिंग ये जो थे वो जो सामूहिक खेती जो है उसके खिलाफ थे इन द कंट्री साइड द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स प्रॉपर्टीज तो कंट्री साइड जो थी बाकी जो जगह थी वहां पर जो जो क्राउन थे मतलब कि जो राजा वगैरह का जो परिवार था और साथ ही साथ जो चर्च के लोग थे मतलब कि ज्यादा वहां पर जमीन थी अब आगे चलते हैं आगे हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था वहां पर रशिया में सो द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड वेरी लेट इन रशिया कंपेयर टू यूरोप तो अगर यूरोप से उसका कंपैरिजन किया जाए तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही लेट शुरू हुआ था इन द डेकेटीन एटीज एंडीन नाइनटीज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वर इस्टिश वेरी फास्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को तो पिछले मैंने आपको बताया था पीटर्सबर्ग और जो है वो फेमस जगह थी वहां की इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल जैसे आज के टाइम में इंडिया में दिल्ली बैगलोर मुंबई कोलकाता इस तरह की जो है इंपॉर्टेंट जगह है वैसे ही रशिया में एटीन और एटीन में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो थी वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत बड़े लेवल पे जो है वो बनी थी क्राफ्टमैन यूज टू वर्क इन वर्कशॉप्स एंड वर्कर्स इन फैक्ट्रीज तो कारीगर लोग जो थे क्राफ्टमैन जो उनकी वर्कशॉप्स होती थी वहां पर वो काम करते थे और जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रीज में काम करते थे क्राफ्ट्समैन कंसीडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर देन फैक्ट्री वर्कर्स तो फैक्ट्री में जो मजदूर लोग काम करते थे उनसे जो है कारीगर लोग जो है खुद को वो बड़ा मानते थे सुपीरियर मानते थे आयरन एंड स्टील कोल माइनिंग मेटल्स मेल्टिंग एंड मशीनरी इंडस्ट्रीज स्टार्टेड डेवलपिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे नेटवर्क तो जैसे जैसे वहां पर रेलवे का नेटवर्क बढ़ने लगा रेलवे वहां पर आ गई तो वहां पर आयरन और स्टील कोल माइनिंग और ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी ये सब वहां बढ़ने लगी द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया वॉज ब्रॉड बाय कैपिटलिस्ट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वहां का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वहां पर रशिया में वो कैपिटलिस्ट के द्वारा सामंतों के द्वारा वहां पर आया था जिनकी प्र, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वर्कर्स हैड टू वर्क इन 12 टू 15 आवर्स लॉन्ग वर्किंग शिफ्ट्स विद लो वेजेस विमेन वर्कर्स वर पेड लेस देन मेन तो वहां कंडीशन क्या थी वर्कर्स की कि उन्हें 12 से 15 घंटे तक लंबे लंबे घंटों तक लंबे लंबे शिफ्ट पर उन्हें काम करना पड़ता था साथ ही साथ उनकी जो वेजेस जो थी उनकी जो कमाई जो थी उनकी जो सैलरी थी वो बहुत ही कम थी और औरतों की जो थी वो तो मेन के कम्पेरिजन में आदमियों के कम्पेरिजन में और भी कम थी द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वॉज वेरी पुअर ऑफन दे है वहां पर जो मजदूर लोग थे जो काम करने वाले लोग थे उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी बहुत ही बुरी हालत थी और वो हमेशा असंतोषित रहते थे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उन्हें बेटर फैसिलिटीज चाहिए थी और ज्यादा सैलरी चाहिए थी

पीजेंट जो है किसान जो है वर्कर्स नहीं बट किसान जो है वो मेन फोर्स होंगे वो जो है वो साथ में मिलकर जो है रेवोल्यूशन करेंगे लेकिन जब लेनिन हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि लेनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे रशियन रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने जब लीडरशिप ली तो बोल्शेविक्स जो थे मेजोरिटी जो थी उन्होंने बहुमत में जो लोग थे उन्होंने उन्हें ये लगा कि पीजेंट्स जो थे किसान जो थे वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं थे मतलब कि वो साथ में जुड़े हुए नहीं थे और वो डिसिप्लिन नहीं थे मतलब कि वो उन्हें उनका कोई फोकस नहीं था वो कुछ भी इधर उधर तितर बितर करते रहते थे देर फॉर द कंट्रोल ऑफ द रेवोल्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स इंस्टेड ऑफ पीजेंट्स तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये रेवोल्यूशन का कंट्रोल है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें वर्कर्स का हेल्प लेना चाहिए किसानों का हेल्प नहीं लेना चाहिए बल्कि फैक्ट्री वर्कर्स की हमें हेल्प लेनी चाहिए अब आगे जल्दी से देख लेते हैं फिर क्या हुआ फिर इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया तो रशिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी 1914 से 1917 तक तो रशिया का उस रशिया में उसका क्या असर पड़ा

वो रेफ्यूजीज की तरह खाना बदोश की तरह से वो हो गए थे रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड एंड बिल्डिंग्स एज दे रिट्रीटेड तो जब रशियन आर्मी हार गई तो उन्होंने वहां पर जो लोकेशन थी वहां पर जितनी भी क्रॉप्स थी फसलें थी जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन उन्हों सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया तबाह कर दिया ड्यू टू द डिफीट एट बोथ द फ्रंट एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑल रूल क्योंकि हर जगह से रशिया की हार हो चुकी थी तो उनकी खेती उनका ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री जो थी उनका खत्म हो गया था द डिसकंटेंट ऑफ पीपल एंड आर्मी ऑल्सो राउज अगेंस्ट रशियन रूलर्स तो साथ ही साथ जो है लोग जो थे वो आ, लोग जो थे और जो आर्मी जो थी वो रशियन रूलर्स जो थे उनके खिलाफ भी हो गए थे जो रशिया को रूल कर रहे थे उनके खिलाफ भी हो गए थे अब आगे चलते आगे चलते हैं, आपको बताया है रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो इसमें क्या हुआ सो so, uh, 1917 का जो रेवोल्यूशन था इन सीवियर विंटर ऑफ फेब्री 1917, फूड शॉर्टेज वाज़ डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर तो वहां पर जो मजदूर लोग थे वर्कर्स जो थे वहां पर उनके पास खाने की बहुत ही ज्यादा कमी हो चुकी थी वर्कर्स कॉल्ड स्ट्राइक तो उन्होंने वहां पर स्ट्राइक कर दी हड़ताल कर दी ऑन ट्वेंटी सेकेंड फेबर नाइनटीन सेवनटीन अंडर द लीडरशिप ऑफ विमेन ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड तो विमेन ने जो है वहां पर लीडरशिप की और uh, 22 फरवरी 1917 को वो सब जो है ऑफिशियल बिल्डिंग्स के चारों तरफ वो इकट्ठा हो गए द डिजायर टू डिजोल्व द ड्यूमा वॉज स्ट्रॉन्गली अपोज तो जार जो थे वहां के राजा निकलस टू जो थे वो ये कह रहे थे कि जो ड्यूमा उन्होंने बनाई थी कि जो इलेक्ट्रेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वहां पर जो चुने हुए लोग थे उनकी जो ड्यूमा बनाई गई थी तो वो कह रहे थे मैं अब इसे खत्म कर दूंगा डिजोल्व कर दूंगा तो लोग जो है उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे मना कर रहे थे कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड म्यूटनीड तो फिर जब उनको वहां की जो पुलिस थी उनको बोला गया कि अरे इन पर हमला करो ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं हड़ताल कर रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया पुलिस ने जो है हमला करने से मना कर दिया और वो भी जो है रूलर्स के शासकों के खिलाफ हो गई द सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑन 2nd मार्च एंड जार एबडिकेटेड तो फिर क्या हुआ कि 2nd मार्च को ये सभी जो वर्कर्स थे और सोल्जर्स जो थे वहां पर वो इकट्ठा होकर उन्होंने सोवियत एक बनाया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट तो मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब कुछ समय के लिए जो टेम्पररी उन्होंने गवर्नमेंट वहां पर बनाई और जो जार जो थे उनको वहां से हटा दिया गया उनको किडनैप कर लिया गया Russia's future would be decided by a constituent बी elected इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल suffrage. सफरेज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वही होता है कि 18 या 18 साल की उम्र के बाद होने के बाद आप वोट कर सकते हैं उसी के बेसिस पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और रशिया में आगे क्या होगा वो इसी के बेसिस पर डिसाइड किया गया मोर देन फाइव हंड्रेड सोवियत वेटअप एवरीवेयर इन रशिया लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत तो जैसा हमने कहा सोवियत बनाए गए वर्कर्स और सोल्जर्स के तो पांच सौ से ज्यादा सोवियत जो है वो ऐसे बनाए गए पूरे रशिया में इन द कंट्री साइड पीजन फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड साथ ही साथ कंट्री साइड में किसानों ने ये कहा कि जो लैंड है वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फिर से लैंड का क्षेत्रों का बंटवारा हो क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत बड़े लैंड है बहुत बड़ा क्षेत्र है खेती करने के बाद खेती करने के लिए और कुछ के पास बहुत ही कम है तो हम फिर से इसका बंटवारा करेंगे

तो फाइनली अक्टूबर 1917 में लेनिन ने इन दोनों के बीच में ये जो दोनों ग्रुप्स थे पेट्रोग्राइट सोवियत और बोल्शेविक पार्टी जो थी उन दोनों के बीच में जो है थोड़ा सुलह करवा के उन्हें बोला कि एक काम करते हैं कि जो है हम पूरी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं द अपराइजिंग विज्ञान ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर एंड बाई डिसमेंबर बोल्शेविक्स इन कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राइट एरिया तो ये जो थी फाइनली जो है ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर चौबीस अक्टूबर को जो है वहां से शुरू हुई और दिसंबर तक बोल्शेविक्स जो बहुमत में लोग थे उन्होंने जो है मॉस्को पेट्रोगार्ड का जो एरिया था उसको पूरा कंट्रोल में कर लिया फाइनली फिर क्या हुआ जब बोल्शेविक्स आ गए तो क्या क्या चेंजेस आए वहां पर बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज तो वहां उसमें रशिया में जो बैंक और इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया जैसे हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो एक नेशनल बैंक है मतलब कि ऑल ओवर कंट्री जो है जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो उसको रेगुलेट करती है तो इसी तरह से रशिया में भी जितने भी बैंक थे इंडस्ट्रीज थी उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी जो जो भी क्षेत्र था वो उसे सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया मतलब की सभी की सामाजिक वो प्रॉपर्टी हो चुकी थी और ऐसा नहीं कि कोई अपनी पर्सनल उसको प्रॉपर्टी मानकर उसे ओन करे ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरेस्ट्रोक्रेक्रेसी बैंड तो पुराने जो राजा महाराजाओं के जो टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया गया तो अब किसी को राजा राजकुमार या क्वीन इस तरह से नहीं बुलाया जाता था पीजेंस व अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटीज वहां पर जो किसान थे उन्हें ये बोल दिया गया कि ये जो सामंतों के जो बड़े बड़े क्षेत्र है आप उसको हड़प लो तो so, उनको अलाव कर दिया गया कि आप उनके जो लैंड है वो सीज कर लो ले लो इन सिटीज हाउस फैसिलिटी वॉज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स एंड होमलेस तो वहां पर जो नगर जो थे जो सिटीज थी वहां पर जितने भी होमलेस लोग थे बेघर जो लोग थे और साथ ही साथ जो मजदूर लोग थे उनको जो है हाउस फैसिलिटी दे दी गई तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं मैं पहले इंग्लिश की वर्कशीट में आपको क्वेश्चन बता देती हूँ फिर मैं आपको हिंदी की वर्कशीट के आंसर्स भी दिखा दूंगी तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कौन से चेंजेज आए मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ तो यहाँ पर इधर से आप शुरू करेंगे आंसर थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन है हम उसी का आंसर आपको लिख कर देंगे हम आपको आंसर काट कर तो देंगे नहीं या फिर अधूरा आंसर तो हम देंगे नहीं तो इसलिए आपको ये वाला जो है पूरा ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वहां पर ट्वेंटी सेंचुरी की वो आप यहां पर लिखेंगे ये तो ये आपका पूरा जो है आंसर वन हो जाएगा चलते हैं आपके क्वेश्चन टू पर क्वेश्चन टू आपका कहता है कि राइट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो रशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या फीचर्स uh, थे तो so, पहला तो ये था कि वो लेट शुरू हुआ था मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ वर्कशीट के शुरू होने में तो मैं बस यहाँ पर आंसर हाईलाइट कर रही हूँ कोशिश कीजिए कि ये आंसर जो है खुद पहले लिखने की तो वो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ फिर आप क्रॉस चेक उसको यहाँ कर सकते हैं तो ये यहाँ पर जो जो फीचर्स है मैं बस वो हाईलाइट कर रही हूं तो ये रेलवे नेटवर्क भी यहां पर है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रशिया वॉज ब्रॉड बाय कैपिटलिस्ट एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्कर्स को 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था और वुमेन की जो है कंडीशन बहुत बुरी थी उनको कम पैसे दिए जाते थे तो ये जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो ये आपका जो है आंसर टू हो जाएगा आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन थ्री पर क्वेश्चन थ्री आपका कहता है हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रिपेयर द रशियन रेवोल्यूशन तो यहां पर ये वाला आप यहां पर लिखेंगे ये पूरा पैराग्राफ एज द वॉर कंटिन्यू दिस इज दिस ये और उसके बाद यहां पर जब आप लिखेंगे द डिसकंटेंट ऑफ पीपल एंड आर्मी ऑल्सो राउज अगेन रशियन रूलर्स इसके बाद आप एक और लाइन यहाँ पर बस ऐड करेंगे फ्रेज ऐड करेंगे वो लिखेंगे आप प्रिपेयरिंग बेस फॉर द रशियन रेवोल्यूशन तो ये मैंने बस क्वेश्चन से लिया है क्योंकि क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है तो ये बस आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे और फिर रशियन रूलर्स के बाद आप फुल स्टॉप लगाने की बजाय आप लिखेंगे अगेंस्ट रशियन रूलर्स प्रिपेयरिंग अ बेस फॉर द रशियन रेवोल्यूशन ये बस आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो ये हो गया आपका आंसर थ्री अब क्वेश्चन फोर आपका लास्ट क्वेश्चन है विथ चेंजेस वर डिक्लेय बाय बोल्शेविक्स इन 1917 1917 में बोल्शेविक्स ने कौन से चेंजेस डिक्लेयर किए वो यहां पर इधर ये पूरा जो है आप पैराग्राफ ये आप यहाँ पर लिखेंगे ये आपका आंसर फोर हो जाएगा तो जल्दी से जो है मैं हिंदी में भी आपको ये वर्कशीट दिखा देती हूँ तो आइए अब चलते हैं आपकी हिंदी की वर्कशीट की तरफ बिल्कुल सेम ही है ये वर्कशीट भी मैं आपको ये ऐसे दिखा भी रही हूँ साथ ही साथ अब मैं आपको क्वेश्चन भी इसके दिखा देती हूँ तो क्वेश्चन वन है आपका बीसवीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए तो यहां से आप लिखेंगे रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव आप ये पूरा यहाँ पर ये आंसर वन आप लिखेंगे फिर चलते हैं प्रश्न दो की तरफ प्रश्न दो आपका कहता है कि रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए तो रूस में औद्योगिकरण जो है वो आप ये पूरा यहां से लिखेंगे ये और ये महिलाओं के बारे में भी उनमें असंतोष रहता था बस ये आप पूरा लिखेंगे आंसर टू तो चलते हैं प्रश्न तीन की तरफ प्रश्न तीन आपका कहता है प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तय किया तो यहां से आप लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव हुआ और एंड में आप एक लाइन जोड़ सकते हैं कि इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने रूस आ, रूसी क्रांति का आधार तय किया तो ये आपका उत्तर तीन हो गया प्रश्न चार पर चलते हैं प्रश्न चार आपका कहता है बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ये उत्तर चार हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसको ध्यान से सुनिए और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आज के लिए इस वर्कशीट में इतना ही है आगे फिर हम अगली वर्कशीट जो है वो अब कल करेंगे थैंक यू